तो हम लोग हो गए रेडी जाने के लिए, और सबसे ज़्यादा मिस हमें ये व्यू को करने वाले, बहुत ही ब्यूटीफुल था। फिर से इंशाल्लाह आएंगे तो यही होटल में रुकेंगे। कितना प्यारा लग रहा है, मैं आपको वापस दिखाती हूँ। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग की दुआ है। बहुत ही मज़े में हूँ, बस निकल रहे हैं। आज आखिरी दिन है, जाना है, लेकिन मुझे याद आया कि बीच में थोड़ी शॉपिंग भी करनी है, तो रुकते हुए जाएंगे। और दूसरी बात ये कि मैंने आपको दिखाया ही नहीं नाश्ते में हम लोग क्या खा रहे थे, तो मैं बता देती हूँ बुफे में रोज़ नाश्ते में हमें क्या मिल रहा था। बहुत एक्सटेंसिव मेन्यू नहीं है इनका, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जूसेस थे। और ये है अंडा, अंडा बॉईल करा हुआ रोज़ हुआ करता था। सॉसेजेस भी ऑलमोस्ट रोज़ थे। और ये ओट्स है, पोहा है, और मिक्स्ड ये है पराठा। तो कभी पराठा है, कभी पोहा है, कभी इडली है, कभी डोसा है, ऐसा सब अलग अलग रोज़ कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलता था। ये सारे बंस और ब्रेड्स हैं, और मक्खन और जैम और चाय और कॉफ़ी है, बस इतना ही था। लेकिन तब भी मज़ा आया। मैं यूजुअली इतना खाती नहीं हूँ ये सब चीज़। ये चाय ली मैंने, और अजान ने अपने लिए अंडा और फ्रूट्स लाया। ये क्या लाया आपने सारा? वन इज वाटरमेलन, सेकंड इज कैरेट, एंड द थर्ड वन इज क्यूकम्बर। कैन आई हैव इट? हां, अंडा जी आपको? नहीं अंडा। वैसे ब्रेकफास्ट में रोज़ नई नई अलग अलग टाइप की डिशेस हुआ करती थी, बट मुझे यहाँ का ऑमलेट अच्छा लगता है, तो मैंने जितने भी दिन थी सारे दिन मैंने ऑमलेट और चाय ही ली है। बस एंड मोमेंट पैकिंग बंद कर रही हूँ मैं, और बस निकल रहे हैं यहाँ से। ये सारे जैकेट्स लेने हैं हमारे, और ये हो गए हम सेट। बैग लेके जैकेट्स ले लूं। माशाल्लाह हमने तो बड़ा एंजॉय किया दुबई का ट्रिप। आप लोगों को व्लॉग्स देख के कैसा लगा मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कि आप लोगों को मज़ा आए कि नहीं आई। तो मैं नेक्स्ट टाइम कहीं जाऊं तो मैं व्लॉग बनाऊं, नहीं तो मैं छोड़ दूं और मैं सिर्फ इंजॉय करूं। तो बस ये लास्ट रिचुअल टाइप था, मैं जब भी जाती थी तो यहाँ ये व्लॉग के अंदर मैं लेती थी ये वाला शॉट, तो बस ये लास्ट टाइम शॉट लिया है। होटल के पास ही है ना शॉप्स थी, तो मैंने सोचा वहाँ से मेरी फ्रेंड्स लोगों के लिए, फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके लिए मुझे केसर लेना था। मैंने कहा था अगर मैं जाऊँगी तो ज़रूर लाऊँगी आप लोग के लिए, तो मैं बस उन लोगों के लिए ही केसर ले रही थी। इसके साथ साथ मैंने मेरी ननद के लिए भी ले लिया है, उसे शायद अच्छा लगेगा ये भी। तो यहाँ से लिया और फिर से हम होटल आए, हमारी पेप्सी छूट गई थी। उस भैया ने बोला भाई आपकी पेप्सी रह गई, लेके जाओ। तो बस यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं बाय बाय अल्लाह हाफिज़ करते हुए, और अजान थोड़ा सा अपसेट हो गया था। क्यों रो रहे हो? एयरपोर्ट में रो रहे हो? क्यों ओवर एक्टिंग करके रो रहे हो? क्यों रो रहे हो अजान? क्यों रो रहे हो? बट एंजॉय हो रहा है। अरे तो हमारी कंट्री जा रहे हैं अभी, क्या बस 7-8 days बस हो गया। % वैट का वापस मिलता है, तो बस हम वही कर रहे थे। उसके बाद हमने चेक इन किया, आप देख सकते हैं अभी भी कितनी गुंजाइशें ओपन की। चलो वापस जाते हैं। यहाँ कितना स्विफ्टली हो गया, लाइन भी नहीं थी ऐसी कोई सच ना। पता नहीं उस दिन एयर इंडिया का पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। ये वाला स्पाइस जेट है तो प्रॉब्लम तो नहीं आया था, उस दिन भी नहीं था, बट पता नहीं क्यों इतनी रश थी उस दिन। ये क्या था अरफात अपना? We have taken boarding pass. बोर्डिंग पास के लिए जो लाइन लगती है, लगेजेस डालते हैं, जैसे हम आए थे तब कितनी बड़ी लाइन थी, यहाँ स्पाइस जेट में बिल्कुल भी लाइन नहीं थी। सो दैट वॉज रियली गुड, इट वॉज वेरी क्विक।
ये मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि डिफरेंट स्टाइल्स के काजू थे और नट्स थे, और इसमें है ना बिरयानी काजू थे जो इतने क्रिस्पी थे, क्रंची थे, लेकिन बढ़िया सा टेस्ट था। दूसरे थे हमने लिए हैं वसाबी टाइप कुछ काजू नाम है इनका, वो भी अच्छे लेकिन हल्का सा वो तीखा मुझे लगा। तो मेरा फेवरेट तो बिरयानी वाला हो गया था, बहुत ही मज़ेदार था। आप लोग अगर जाए और मिले तो ज़रूर लीजिएगा। बारबेक्यू है, बारबेक्यू दे रही है। Which is, this one is? ये वसाबी है भाई, ये भी ले लो आधे, और वो पीछे वाले बिरयानी के काजू है, कैशू बिरयानी नहीं ये वाला, वो भी ले लेते हैं। ले लिए, ले लिए ये दोनों, आई मीन ये और ये दोनों ही बढ़िया टेस्ट है, मज़ेदार है। थोड़ा सा और टेस्ट कर रहे थे, मज़ा नहीं आया, बट हमने वसाबी और वो बिरयानी लिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा। और बस थोड़ी सी मुझे चॉकलेट्स और चाहिए थी क्योंकि मैंने पैकिंग तो की तो पता चला कि मेरी चॉकलेट्स बहुत कम है और मुझे और देनी है लोगों को, तो इसके लिए मैंने और ज़्यादा चॉकलेट्स ली। और बस चलिए हम चले अब खाने की ओर। चलो ये दूसरी शॉपिंग हुई, निकलते निकलते भी चलो जल्दी खाना खाते हैं। अल्फा जल्दी चलो यार खाना खाते हैं, शॉपिंग ही कर रहे हैं अभी तक, वापस शॉपिंग हो गई। वेट वेट वेट, अब क्या है, खाना नहीं खाया एंड वी जस्ट अगेन। बहुत क्राउडेड जगह थी, कहां यहां नीचे कहां क्राउड था। अरे वो शॉपिंग के लिए अपने को कॉर्नफ्लेक्स लेने का था, अच्छा वाला अजान के लिए ना, बट ले नहीं पाए। डिफरेंट वेराइटी के कॉर्नफ्लेक्स भी मिलते हैं यहाँ बच्चों के लिए, बट ले नहीं पाए क्योंकि इतना रश था मॉल के अंदर, बहुत ज़्यादा रश था इस बार, जो ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी पब्लिक मॉल में ही आ गई है सबके सब। यहाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है, पीसफुली हम शॉपिंग कर पा रहे हैं, यहाँ तो और जल्दी आना चाहिए, नेक्स्ट टाइम जल्दी आएंगे यहाँ। हमारा जो दुबई का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही मज़ेदार था। आई होप आपको भी हमारे व्लॉग्स अच्छे लगे हों, अगर अच्छे लगे हों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बस थोड़ी सी बारिश थी, मुझे तो वो भी बड़ा मज़ा आया क्योंकि दुबई में बारिश और ठंड एक्सपेक्ट करना बहुत ही डिफरेंट था, बट अलग एक्सपीरियंस था मुझे और अरफात को, हम दोनों को बहुत मज़ा आया। ये भी एक तरीके का एक्सपीरियंस था हमारे लिए। बस जस्ट एक ही प्रॉब्लम थी कि इनके यहाँ है ना टैक्सीज थोड़ी अभी भी, लास्ट टाइम आए थे तो प्रॉब्लम नहीं थी, इस बार बहुत प्रॉब्लम हो गई टैक्सी की वजह से। सो हम अच्छा था, लकीली हमारे यहाँ नज़दीक में ही 300-400 मीटर पे ही थी हमारी ट्रेन सेक्शन, तो स्टेशन आई मीन, तो वहाँ से हम लोग बार बार जब मर्जी किए बिना वेट किए टैक्सी का, बिना कैंसिल हुए टैक्सी का, हम क्विकली निकल जाते थे, एक मिनट वेट करते थे, अगर नहीं आए चलो हम ट्रेन से चले जाते हैं। तो इट वाज दैट कन्वीनियंट ट्रेन, इन फैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट। आपके साथ बात करते करते मेरा मील आ गया खाने का, तो ये है आपको जैसे पता है क्वार्टर पाउंड विद चीज बर्गर, और दो वो लिए फ्रेंच फ्राइज लिए, और ये लिया हमने चीज़ केक, ये बार का है ब्लूबेरी चीज़ केक, और ये भी बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा फेवरेट है बिस्कॉफ वाला, लोटस वाला। तो बस वहाँ से खाया पिया और निकले और आ गए हमारे प्लेन सेक्शन के साइट पर बोर्ड करने के लिए। हमने कुछ देर बादलों के शहर में रहने के बाद आ गए हमारा ऑल टाइम फेवरेट इंडिया में, जहाँ पर भी जाएं आप, कहीं पर भी जाएं, लेकिन अपना घर होता है और अपना देश होता है। इसी के साथ बस यहाँ पर मैं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बताएं आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, और फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रमदार रेसिपी के साथ या फिर व्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।